गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 3 एंड योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। ओके बेटे, वी हैव डन सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड टुडे वी विल डू सम ऑफ द एक्सरसाइज। सो टेक योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 8. This is page number 8. Now, page number 8, you have seen the definition of sentence. We have done this now. So, let's revise. What is the definition of sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. सेंटेंस क्या होता है बेटा? सेंटेंस होता है एक शब्दों का समूह जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है या कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज सेंटेंस और नॉट। सो हियर वी विल डू सम ऑफ द एक्सरसाइज बाई प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस से हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल्स भी आप रीड ना, हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे। रूल्स क्या थे कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, एंड इट मस्ट हैव अ वर्ब, और इसकी एक वर्ब भी होती है। ओके बेटा, सो नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज पेज नंबर 8। सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स नीचे दे रखे हैं, टिक राइट अगेंस्ट दोज दैट आर सेंटेंस। उनके आगे यहाँ आपको राइट टिक करना है, जो सेंटेंस है उनके आगे आपको राइट टिक करना है। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ रीड द सेंटेंस फर्स्ट। वह ऑन अ वंडरफुल प्लीजेंट डे। यस टेल मी, इज इट अ सेंटेंस? नो, it is not a sentence, so we will cross it. Second, drink a glass of water. beta, it is looking like a sentence. ki sentence ki jaisa lag to raha hai, but it is not a sentence because here is no full stop, so we will cross it. okay, now next, these are the boys who, is it sentence? No, it is not sentence. When I went to the market, no, it is not a sentence. I love to paint pictures, yes it is sentence. Why it is sentence? See, it start with capital letter, it has a verb and ends with full stop, so it is a sentence. We will put right here. Is that clear? Now come on the next page. Exercise B. Make assertive sentence using the following group of word. अब मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, it means वीडियो में बताया था कि एजेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। यस, एजेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बताओ, रिमाइंड करो। यस, रिमेंबर इट। सो एजेटिव सेंटेंस लाइक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जैसे होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी सेज यानी कथन होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड एजेटिव सेंटेंस, तो हम इनसे एजेटिव सेंटेंस बनाएंगे। रीड, टू बाय ही सम फूड हैज। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर ही,
हैज टू वर्ब देखो बाय ही हैज टू बाय सम फूड एंड वी विल पुट फुल स्टॉप हियर नाउ इट बिकम अ सेंटेंस सिटिंग हाई अप ऑन इज द मंकी ट्री द देखो द मंकी वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर M O N K E Y monkey. The monkey is verb sitting. The monkey is sitting high up on the tree. Monkey tree पर बहुत ऊंचा बैठा है on the tree. ओके टू टाइम्स दी है ना तो द मंकी एंड द ट्री ओके बेटा नाउ एट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम ही तो ही एट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम इज दैट क्लियर Now remaining 4 and 5 you will do yourself. Is that clear? Now come on this exercise. Put question mark. Only you have to put a question mark. See why are you sad today? Put question mark. Who is playing with you? Put question mark. Nothing we have to done. Kuch bhi nahi karna hame. Bas kya karna hai? We have to do nothing. Kuch bhi nahi karna. करना क्या है बेटा बस वो ये जो क्वेश्चन मार्क है वही पुट करना है यस व्हाट आर द स्टार्स मेड अप ऑफ के हैव यू फिनिश योर होमवर्क क्या आप बताओ आपने अपना वर्क फिनिश कर लिया नाउ लास्ट वन इज हु विल बाय द फ्रूट्स ओके सो पुट क्वेश्चन मार्क लास्ट लास्ट सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है ना कम ऑन द एक्सरसाइज बेटा हेयर इज एक्सरसाइज डी ओके आपको पहले ये रिमेंबर जो दे रखा है व्हेन ये रीड कर लेते हैं व्हेन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव इट बिगिंस विद डोंट जब इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वो बिगिंस डू नॉट से स्टार्ट होता है इज दैट क्लियर ओके मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिन सेंटेंस में रिक्वेस्ट कमांड डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जैसे ओपन योर बुक स्विच ऑफ द फैन शट द डोर दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस नाउ व्हाट टू डू इन दिस एक्सरसाइज रीड द सिचुएशन सम सिचुएशंस आर गिवन टू यू एंड राइट इम्पेरेटिव सेंटेंस फॉर द गिवन सिचुएशन जो सिचुएशन आपको दे रखी है उसके लिए आपको वन सेंटेंस लिखना है जैसे कि फर्स्ट ऑलरेडी डन है द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ओपन दियर बुक्स सो व्हाट इज ओपन योर बुक्स इट इज द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस नाउ वी विल रीड सेकेंड सिचुएशन द पुलिसमैन आस्क शोबित टू ड्राइव स्लो पुलिसमैन शोबित से क्या कहता है कि स्लो ड्राइव करो तो इट्स वेरी वेरी सिंपल वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर डी आर आई वी ई ड्राइव स्लो एस एल ओ डब्ल्यू स्लो एंड फुल स्टॉप द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट नॉट टू ईट आइसक्रीम वी हैव रिटन ऑल वी हैव रीड ऑलरेडी दिस अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे डोंट से स्टार्ट करेंगे सो डोंट वी विल फर्स्ट राइट डोंट ईट आइसक्रीम ओके डेविड वांट सम मनी टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड इट्स वेरी सिंपल गिव मी मनी वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर Give me money. If we want to give more information, we can write to buy a gift for my friend. If we don't, it's okay. Give me money. Now come on the next exercise on page number 11.
ओके, रीड दिस एक्सरसाइज, मैच द एक्सक्लेमेशन वर्ड, ये आपको एक्सक्लेमेशन वर्ड्स दिए हुए हैं विद द सेंटेंस, सेंटेंस के साथ अब आपको इनको मैच करना है। ये कॉलम वन में वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम टू में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक आपके लिए कर दिया हुआ है, ऑलरेडी डन है। देखो फर्स्ट क्या है, ग्रैंड मदर इज स्लीप रेस्टिंग, ग्रैंड मदर आराम कर रही है, चुप हो जाओ। कई बार हम चुपके चुपके से कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो अपन बोलते हैं मम्मा जग जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। हाँ, तो वैसे ही ये होते हैं हमारे एक्सप्रेशन, फीलिंग्स। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि वाह, ओह, हुर्रे, आउच, यम्मी, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और जिन सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस कौन से होते हैं? गुड, बताओ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वेरी गुड, वाओ, वी वाओ, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, ऐसे कितनी लंबी बिल्डिंग है, वाओ, वी विल मैच इट विद दिस वन। ओह, अब देखो ओह क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, यस यस, टेल मी, फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट, यस यस, आई होप यू आर डूइंग, यस, व्हाट इज, सॉरी, दिस रूम इज डर्टी, इसे करते हैं, अरे कितना गंदा रूम है ये, करेक्ट, यस, हुर्रे, वी हैव ढूंढो, यस, फाइंड आउट, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द प्राइज। जब भी कोई प्राइज मिलता है, कोई भी सरप्राइज मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं, वाह, क्या बोलते हैं, हुर्रे बोलते हैं ना। आउच, बताओ आउच, आई कट माय फिंगर, अपने चोट आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आउच, आई कट माय फिंगर। यम्मी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इज माय फेवरेट। हाय, व्हाट इज योर नेम, दीज आर वेरी सिंपल। ओके, नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन टू यू, आपको क्या करना है, टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाने हैं, इन वर्ड्स को यूज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाने हैं, और जहाँ जरूरी है वहाँ कैपिटल लेटर, पंक्चुएशन मार्क पुट करना है। इज दैट क्लियर, कैसे करना है वो आप एक बार देख लो। ऑफ, कीज, कार, टेबल, ऑन द अर्थ, तो इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट वी विल राइट द कीज आर ऑन द टेबल, ओके, की द कीज आर ऑन द टेबल। और बेटा ऑफ इधर, यहाँ आपको टू टू टाइम्स डी नहीं दिया हुआ है, तो वन टाइम हम कट कर देंगे। द कीज आर ऑन टेबल, कीज कहाँ है, टेबल के ऊपर हैं। ओके, नाउ दीज टू थ्री फोर फाइव यू विल डू योर सेल्फ। ओके, एक और कर लेते हैं, यू, यहाँ अपन क्वेश्चन बनाएंगे, देखो एच ए वी ई, हैव यू सीन द ताज महल, क्या आपने ताजमहल देखा है, और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर, ओके, नाउ यू विल डू योर सेल्फ दीज क्वेश्चन, दीज टू थ्री फोर एंड फाइव, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।